अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड रिपीट के बारे में कि नेस्टेड रिपीट क्या होता है और नेस्टेड रिपीट किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सो व्हाट इफ कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जिसमें रिपीट 3 times यूज़ हो रहा हो और रिपीट के ऊपर और नीचे एक एक साउंड का ब्लॉक भी इस्तेमाल हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के लेट्स से एक प्ले साउंड म्याओ, हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। लेट्स से कि नंबर वन ब्लॉक इज प्ले साउंड और देन हमने एक रिपीट का ब्लॉक इस्तेमाल किया फॉर 3 times और फिर उसके बाद हमने रिपीट के अंदर एक प्ले नोट और एक और प्ले नोट, एक 60 और एक 62 फॉर 0.5 beats दोनों, और उसके बाद एक प्ले ड्रम फॉर 0.25 seconds। सो लेट्स से कि ये हमारा एक प्रोग्राम था जो कि इनिशियल प्रोग्राम है हमारा और हम इसको डबल करना चाहते हैं या 3 times करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। ऑलराइट, सो जो भी इस प्रोग्राम का आउटपुट है, सो लेट्स से अगर हम इसको 3 times करना है तो हमारे पास एक तरीका अच्छा ये है कि हम अपने किसी भी ब्लॉक पे अगर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाता है। तो लेट्स से कि हमने इसको डुप्लीकेट किया और हमने प्ले ड्रम के नीचे इस प्रोग्राम को रख दिया और बिल्कुल वैसे ही हमने एक और दफ़ा इसके नीचे पे रख दिया। सो इस तरीके से हुआ क्या कि हमारे पास जो भी एक प्रोग्राम हम चलाना चाह रहे थे अब वो प्रोग्राम हमारा 3 times चलेगा। तो लेट्स से इसका आउटपुट देख लेते हैं पहले कि इसका आउटपुट क्या आता है या हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारा आउटपुट आता भी है या नहीं आता। ऑलराइट, सो द रिक्वायर्ड आउटपुट जो भी हमारा था इसका आउटपुट बिल्कुल वैसे ही आया है। और अगर हम अब इस प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करना चाहें या एक एफिशिएंट वे में लिखना चाहें तो इसका एक अच्छा तरीका यह है कि क्योंकि हमें दिख रहा है कि एट सम ब्लॉक्स या आफ्टर सम ब्लॉक्स हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, सो हम क्यों ना ऐसा करें कि क्योंकि हमें इस होल प्रोग्राम्स को 3 times चलाना है, जैसे कि ये वन पार्ट इसका और ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, तो क्योंकि ये तीनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं तो हम क्यों ना ऐसा करें कि एक और नेस्ट रिपीट इस्तेमाल करें, एक और रिपीट इस्तेमाल करें जो कि इन सब को कवर कर रहा हो, और क्योंकि हमारा आउटपुट एक्चुअली 3 पे था इसलिए ये 3 पे रन करे। तो जब ये 3 पे रन करेगा हम बाकी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। ऑलराइट, सो अब ये वाला प्रोग्राम और इससे पहले जो आपने प्रोग्राम बनाया था ये बिल्कुल सेम है। ये रिपीट लगाने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो भी इस रिपीट ब्लॉक के अंदर स्क्रिप्ट लिखी गई है अब वो स्क्रिप्ट 3 times चलेगी, जबकि इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने यही स्क्रिप्ट जो इस रिपीट ब्लॉक के अंदर लिखी है इसको 3 अलग-अलग दफ़ा करके लिखा था। तो समाओ हमारा प्रोग्राम ऑप्टिमाइज हो गया और हमारा जो प्रोग्राम था वो एक स्मार्ट और एफिशिएंट वे में हमारे पास हमारे सामने आ गया। सो द टेक्निक जिसमें रिपीट के अंदर एक और रिपीट यूज़ हो रहा हो इसको कहा जाता है नेस्टेड रिपीट। सो लेट्स से कि इसका आउटपुट जो आना चाहिए इस प्रोग्राम का क्या वो बिल्कुल वैसे ही सेम है जैसे कि पहले आ रहा था, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ऑलराइट एवरीवन, सो जैसे कि आपने देखा कि हमारे इस प्रोग्राम के आउटपुट में और जो लास्ट प्रोग्राम का आउटपुट था उसमें कोई फ़र्क नहीं था, जबकि जो ये वाला तरीका है ये ज़्यादा एफिशिएंट है बिकॉज इसमें कम नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए हैं, कम नंबर ऑफ़ स्क्रिप्ट्स इस्तेमाल हुई हैं, हमारे पास स्प्राइट भी एक ही है, हमने ज़्यादा स्प्राइट्स इस्तेमाल नहीं करी हैं, सिर्फ रिपीट एक और लगाने की मदद से हमारा जो लॉन्ग या जो बड़ा प्रोग्राम था, जो लंबा प्रोग्राम था वो बहुत छोटे शेप में और बहुत छोटे ब्लॉक्स के साथ, बहुत कम ब्लॉक्स के साथ हमारा वही आउटपुट जनरेट कर रहा है। सो इस टेक्निक को बेसिकली नेस्टेड रिपीट कहते हैं और ये प्रोग्राम्स में बहुत वाइडली यूज़ होती है।